वेलकम टू अनदर वीडियो। ये है ब्लैक क्लोवर का एपिसोड 88 का रिव्यू। तो जानते हैं कि क्या हुआ ब्लैक क्लोवर का एपिसोड 88 में। तो ब्लैक क्लोवर में अब तक सिलेक्ट हो चुके हैं कुछ लोग रॉयल नाइट्स के तौर पे, जहां पर आस्था और नोलिल भी है, जो मिलने जाते हैं लिल ब्रोकलियन से, जहां पर उसका भाई होता है और उससे मिलकर वो पुरानी बातें याद करते हैं जहां पर वो लोग पहली बार मिले थे उससे। और सच में फिंगलियन काफी कमाल का बंदा था, जो किस तरह से हार गया आई ऑफ मिडनाइट वालों से, जहां इसका बदला लेंगे नोलिल और आस्था। तो यहाँ पर इन्हें 3 दिन के बाद जाना है अटैक करने के लिए आई ऑफ मिडनाइट के हाइड आउट पे। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे एक सोचने वाली बात यह है कि ऐसी कौन सी बात है जिस वजह से ये लोग हमला करना चाहते हैं क्लोवर किंगडम पे, और क्लोवर किंगडम उन पर हमला करती है क्योंकि वो उनसे नफरत करती है और वो लोग भी इनसे नफरत करते हैं। और ये सारे रीजन है जहाँ पर ये एल्फ वाली स्टोरी है, लेकिन ये चीज़ आस्था को और किसी को भी नहीं पता, जहाँ पर आस्था सब सोच के बेहोश हो जाता है। और सच में काफी सोचने वाली बात है कि वो लोग क्यों हमसे बदला लेना चाहते हैं, जैसे कि वेटो ने कहा था लास्ट टाइम आस्था से। तो आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर ये है मेल मिलाप, जहाँ पर सब मिलेंगे और सारे रॉयल नाइट आपस में मिलकर खाना खा रहे हैं। और यहाँ पर एक बंदा है जो पीछा कर रहा है आस्था का, लेकिन यहाँ पे शुरू होता है एक संगीत, और इस संगीत के सुर से वो बंदा वहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसे आस्था से कोई इन्फॉर्मेशन शायद नहीं मिलने वाली। जहाँ पर जाता है वो कैप्टन के पीछे, मतलब मैरिलियोना के पीछे, जो कि कैप्टन है इन सब की, मतलब सारे रॉयल नाइट्स की कैप्टन है, जहाँ पर उसे पकड़ लिया गया है और उसे सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई जाएगी। और यहाँ पर शायद बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लीक भी होगी, जिस वजह से ये लोग अपना टाइम चेंज कर रहे हैं, मतलब शेड्यूल 3 दिन के बाद नहीं कल का है, जहाँ पर जितनी चैन की नींद लेनी है ले लो, क्योंकि कल जाना है अटैक करने आई ऑफ मिडनाइट वालों पर। जहाँ ये लोग आखिरकार पहुँचते हैं आई ऑफ मिडनाइट के हाइड आउट पर, जहाँ पर बाहर खड़े होकर लोग बनाते हैं प्लान, मतलब अलग अलग तरह के मैजिशियन यहाँ पर उनके साथ गए हैं, जो कि बता रहे हैं यहाँ पर कि उन्हें किस तरह से कहाँ पर अटैक करना है। मतलब ये पूरा जो है ढांचा इनके सामने आता है, जहाँ पर अलग अलग एंट्रेंस पर अलग अलग टीम जाती है, जहाँ पर 5 टीम बनी है, जिसमें से एक के साथ है रॉयल नाइट की कैप्टन मैरिलियोना वर्मिलियन, जहाँ पर सिर्फ यही टीम है जिसमें सिर्फ 3 मेंबर है। तो यहाँ पर सबको सबका रोल समझ आ चुका है और ये लोग जाते हैं अटैक करने, जहाँ पर एक बंदा उन्हें मजे लेने वाला था। और उस मजे से हम देख पाते हैं मजे वाला सीन, जहाँ पर यहाँ पे एंट्री होती लकी की, और इस तरह से ये लोग आगे बढ़ते हैं। और जहाँ पर अलग अलग जगह से अलग अलग लोग हम देख पाते हैं, और यहाँ पर बढ़ चुकी है मतलब मैरिलियोना वर्मिलियन, जो कि अटैक कर रही है काफी ज्यादा पावर के साथ, और साथ में नोजल सिल्वा भी काफी सारी पावर के साथ अटैक कर रहा है। मतलब यहाँ पे दोनों ही बदला ले रहे हैं, एक अपने भाई का मतलब छोटे भाई का, और दूसरा यहाँ पे बदला ले रहा है अपने राइवल का, जो कि उसका दोस्त था बचपन से और राइवल था, जिसका बदला यहाँ पे उसे लेना है और हराना है मिडनाइट वालों को। जहाँ पर ये रेस है कि कौन आता है इनके हेड के साथ, मतलब सर के साथ, जहाँ पर हम देख पाते हैं राया को, जो कि थका हुआ है हमेशा की तरह, और यहाँ पर वो बढ़ रहा है आगे अपनी तीसरी आँख के साथ, और देखते कि राया क्या कर सकता है, मतलब जहाँ पर कॉपी कर सकता है किसी की मैजिक को, लेकिन वो कैसे करेगा, इनसे कैसे लड़ेगा, ये देखने में काफी कमाल की चीज होगी। तो देख पाएंगे आगे हम राया वर्सेस मैरिलियोना वर्मिलियन या फिर नोजल सिल्वा। तो आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन पहुंचेगा इसके पास पहले, अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूले। और उसके अलावा देखते हैं कि क्या हो सकता है ब्लैक क्लोवर का एपिसोड 89 में, जहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये लोग मतलब कुछ लोग हमला कर रहे हैं यहाँ पर ब्लैक बुल्स के ऊपर, क्योंकि शायद इन लोगों ने थर्ड आई के 2 लोगों को हराया, मतलब ब्लैक बुल्स की बात कर रहा हूँ, इन लोगों ने थर्ड आई के 2 लोगों को हराया, जिस वजह से इन पे हमला हो रहा है। और हमें पहली बार देख पाएंगे गोर्डन की शक्तियाँ, मतलब कि क्या कर सकता है ये। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि आखिर में लोग ढेर पड़े हुए हैं बाहर अपने ब्लैक बुल के हाइड आउट में। तो जहाँ पर हम देख पाएंगे कि आगे यहाँ पर कैप्टन नेविन की बैंड बजाएंगे, लेकिन देखते हैं कि कौन जीतता है, कैसे जिताते हैं ये लोग, जहाँ पर गोल्डन की शक्ति काफी कमाल की, और शायद हमें ब्लैक बुल का हेड क्वार्टर या फिर हाइड आउट भी काफी कमाल का है, जिसके बारे में आप आगे जान पाएंगे। तो एक हिंट बेसिक सा कि यहाँ पर इनका पूरा हाइड आउट उठ के खड़ा हो सकता है बिल्कुल एसपीडी की तरह। तो बाकी का अंदाजा लगा सकते हैं। और ये था ब्लैक क्लोवर का एपिसोड 88 का रिव्यू, और 89 में क्या हो सकता है उसकी पॉसिबिलिटी। तो आप क्या सोचते हैं कि क्या हो सकता है ब्लैक क्लोवर का एपिसोड 89 में, जहाँ पर शायद हम ना देख पाए कि क्या होने वाला है एपिसोड 88 के बाद, मतलब हो सकता है 88 में तो लोग रैम्पेज में निकल चुके हैं, लेकिन उसके पहले बीच में क्या हो रहा है ब्लैक पुल्स के साथ, या फिर दोनों चीज़ देखी जाएगी, मतलब दिखाई जाएगी हमें एपिसोड 89 में। तो अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ना भूले, उसके अलावा वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।